61, ठीक है, और 62, 63, 62, यस सर, 62 62 दोनों है। यार 62 तो सिंपल है यार। तो उसमें बस यही पूछना था मुझे कि x1 + x2³ जो बनाया उसने, उसको होल क्यूब करके माइनस कर देना पड़ेगा ना, जैसे कंप्लीटिंग में स्क्वायर में करते हाँ थे। अच्छा, हाँ तो आंसर भी एक है ओके तुम्हारे ओके, हाँ पास, हो गया सर। 63, सिक्सटी हो सर, फोर, 65, नो सर, चलो 66 से स्टार्ट, 66 यस सर। मुझे मालूम फिर आउट आएगा। आप लोग क्वाड्रेटिक की फील नहीं ले रहे हो पता है, 66 में क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ, कि बताओ भाई कि किस एक्स के लिए इस इक्वेशन का, अरे भाई हेलो, किस एक्स के लिए इस इक्वेशन का व्हाट डू यू वांट, रियल रियल एंड एंड, पॉजिटिव रूट्स। अच्छा रियल एंड पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव तो समस्या है, पॉजिटिव भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। चलो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, क्या अरे बन रहा है फर्स्ट क्या पेज है सर, बेटा? ये फर्स्ट पेज है, मैं अभी ज्वाइन किया। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट किया, वही कल वाला होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं अपन, एक्स परसों संडे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ +2 मैं उधर शिफ्ट भी तो कर रहा हूँ ना साथ साथ, तो मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, तो तमीज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर +2 प्लस प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू ए। क्या चाहते हो तुम इस इक्वेशन का? रूट्स चाहिए दो रूट्स हैं है ना, क्या रूट्स हैं, एक्स वन और X2। तुम क्या चाहते हो? रियल सर और एक्स टू रियल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव तो एक्स वन एक्स टू रियल और पॉजिटिव हो, तो रियल के लिए कंडीशन क्या आएगी, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। ग्रेटर देन जीरो। अभी तुम चाहते हो कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, तो कंडीशन क्या आएगी बताओ, दोनों रूट एक्स पॉजिटिव हो, वन एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो, ये सफिशियंट है कि और कुछ चाहिए होगा? x1 × x2 भी बड़ा होना चाहिए जीरो से। एक्स वन इंटू एक्स टू भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये यस सर, तीनों कंडीशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आता है बेटा? तो यस सर, 1 - 4 × a - 2 > 0। हेलो, तो ये तुम्हारा आ यस सर, जाएगा 1 से बड़ा है 4a - 8, तो ये आ जाएगा a < 9/8, चमकता है? थर्ड स्टेप में -a - 2 नहीं होगा मैंने उधर शिफ्ट किया ना, सर, लेफ्ट नाइन बाय साइड फोर में नाइन बाय होगा, फोर होगा उधर। अच्छा, ओके सर, मैंने लेफ्ट में सबको, सॉरी राइट में शिफ्ट किया ना मैंने। एक्स वन प्लस एक्स टू क्या है, 1, वो तो ट्रू है। कैसे माइक खुला हुआ है, प्लीज साइलेंट करो माइक यार। एक्स वन इंटू एक्स टू क्या होगा, ए माइनस सर। टू अरे यार बंदे देखिए सर, कोई निहाल है वो, उसका माइक ऑन है। ओ भाई निहाल, तू ऐसे निहाल म्यूट कर दो। अरे यार बदतमीज इंसान है सर, लगता कहीं बाहर। छोड़ो यार। और विशाल आया है क्लास में, तबीयत कैसी है बेटा तेरी अभी, हाँ सर, ठीक है क्या हुआ था? सर। पता नहीं सर, वो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेडिसिन चालू किया बस, और कुछ मतलब बताया ये नहीं ट्रू है, ओपनली। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ट्रू है ठीक है, तो 1 > 0 ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब हर एक्स के लिए ट्रू है ना ये, तो बोलो यस सर, यस, हाँ, तो ट्रू फॉर ऑल एक्स ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए इंटरसेक्शन निकालना इंटरसेक्शन पड़ेगा, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ, ए जो है 9/4 से बड़ा है। छोटा है ना,
और ए जो है वो टू से बड़ा है, बड़ा है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, टू से कॉमन 9/4। ये बात चमकती है क्या? यस सर। 9 में क्लोज ब्रैकेट होगा ना सर? गलती जब हो जाती है तो गलती हो जाती है, यहाँ पे है ना, ठीक है। अरे इतना क्लियर है? यस सर। ये सॉल्यूशन क्लियर है आपको? यस सर। कॉपी करिए सर, लास्ट का पार्ट फिर से समझाएंगे। कौन सा पार्ट? दोनों प्लस एक्स टू और एक्स वन एक्स टू वाला। अगर दो चीजें पॉजिटिव हैं तो उनका सम पॉजिटिव होगा और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर दो, यस हाँ, वही लिखा है ना बस, नहीं समझा? समझ गया सर। कॉपी करिए सर। ये x1 plus x2 greater than or equal to क्यों नहीं है, सिर्फ greater than क्यों है? उसने कहा है ना पॉजिटिव रूट्स बोल रहा है। अगर पॉजिटिव रूट बोल रहा है तो दो रूट्स अगर पॉजिटिव है उसका सम जो होगा वो तो जीरो से बड़ा होगा ना, कि जीरो के बराबर भी हो सकता है। नहीं सर, जीरो से बड़ा होगा। समझ गया बेटा? हाँ सर। आगे बोलिए। अपने इंटरसेक्शन क्यों किया, यूनियन क्यों किया? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना तभी तो आपका रियल और पॉजिटिव रहेगा। नहीं समझे? तीनों केसेस नहीं, सॉरी नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तीनों केसेस नहीं है, तीनों कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस हैं। अगर मान लो तुम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो नहीं करोगे तो आप ये केस देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट क्या है बताओ तो बेटा? इस क्वाड्रेटिक का बेटा सम ऑफ रूट क्या है? इस क्वाड्रेटिक का बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? वन है। लेकिन क्या इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव है? नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है ना, तो क्या आ गया? रियल रूट नहीं है। समझे क्या? आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं चमका अभी भी? चमका सर। यस सर, समझा। आगे बोलो। कॉपी हो गया? Yes, sir. Next, बोलो 67. सर इसकी ऐसे सॉल्व करेगा ना ये वाला तो? हाँ हाँ। सिक्सटी सेवन डाउट है किसी को बोलो। 67, 66 से लेके 72 तक अच्छे क्वेश्चन हैं। 67 डाउट है। 68 तो क्लास का क्वेश्चन है। 68 सर क्लास का तो फिर मैं ये देख लूंगा नोट में। नहीं नोट्स में मतलब नोट्स में सॉल्व नहीं है, क्लास का मतलब क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, ये बोल रहा हूं। लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुड बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स, discriminant is less than 0, less than 0. Quadratic expression less than 0 है for all x, तो condition क्या होती है? B less than 0. Discriminant is less than 0. A less than 0. And coefficient of x square less than 0. भूल गए क्या? हाँ। 68, 69 doubt है क्या किसी को? हेलो, नहीं सो। 70 71 नहीं सर, ये तो कल टेस्ट में था। सेम क्वेश्चन था ना।
अरे क्लियर है? यस सर। 72 72 ये तो बहुत सिंपल है ना, साइन सीन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है ना, इसमें क्या निकालना है सॉल्व, इसमें ए नहीं निकालना है, क्या निकालना है? इनइक्वालिटी सॉल्व। हाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ऑब्वियसली पहले तो ए निकालना ही पड़ेगा ना, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं, उसने देखो ध्यान देना, उसने ये नहीं कहा फॉर ऑल एक्स, उसने बस कहा ये सॉल्व करना है, ठीक है? तो सॉल्व कैसे होता है, इसका रूट निकाल के ना, रूट क्या आएगा बोलो, माइनस ए प्लस माइनस, बोलो बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, फोर ए बाई टू है ना, अपन तो यहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए क्वाड्रेटिक में ये बात जो बता रहा हूँ बार बार मैं, सेम चीज। yes. अच्छा यही तो क्वेश्चन भी सेंटर पे भी लोग कर रहे थे, पूछ रहे थे, ठीक है ठीक है, लेस देन जीरो, ठीक है, तो प्लस माइनस और प्लस है ना, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। ये सही है सॉल्यूशन सर, इसको एक के लिए सॉल्व नहीं करना है। हाँ यहाँ पर दो केस बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर ना इस सॉल्यूशन में एक मिस्टेक है, ठीक है? पहले तो मान लो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो ये जो इनइक्वालिटी है वो किसके लिए ट्रू हो जाएगी? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहेगा, राइट? Yes, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए लेस देन जीरो, तो क्या आ गया, जीरो से फोर, तो प्लस तो माइनस तो प्लस, तो क्या मालूम चला कि अगर ए बिलोंग करता है जीरो से फोर, दैट इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, हाँ ठीक है, दैट इंप्लाइज इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज लेस देन जीरो, फॉर ऑल और यहाँ पे कब आएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फी से जीरो है, ध्यान आ रहा है क्या? हेलो, ए जो है यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज ये क्वेश्चन वापस बता सकते हैं? ठीक है, आप ऊपर का कॉपी करिए, आप लोग ये तक अभी तक आपको फील नहीं आई है, बहुत लोग को ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी 68 वाला, इसलिए बार बार दिक्कत yes, आ रही है। बहुत सिंपल सी बात है, ये बात बार बार बोल रहा हूं मैं, हर क्लास में क्वेश्चन कराया इस चीज से, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। क्वेश्चन ये था, एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है? अभी कैसा है इस क्वाड्रेटिक में क्या मालूम है हमको, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाएगा, अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाएगा, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ बोलो बात चमकती है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये जीरो है, ये फोर है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस है, तो ये प्लस है, तो ए बिलोंग्स टू जीरो से, यस सर, ए बिलोंग्स टू जीरो से फोर में क्या मालूम चला बोलो, जब ए जीरो से फोर में है, दैट इंप्लाइज वहां पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है ना, दैट इंप्लाइज ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके। Now, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, दैट मीन्स
जब a की वैल्यू माइनस इन्फी से जीरो माइनस इन्फी से जीरो जब a की वैल्यू माइनस इन्फी से जीरो यूनियन जीरो से सॉरी एक मिनट रुक जाओ आ रहा हूँ हाँ मुझे खत्म कर लेना फिर मैं डॉट पे आता हूँ फोर से इन्फी तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है दैट मींस यहाँ पर क्या आएगा आंसर फिर यहाँ पर तो अपना साइन स्कीम आएगा ना यस सर माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर बाई टू फोर ए यस और माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन टू तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स का वैल्यू माइनस इन्फी से माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन टू हाँ फिर यूनियन माइनस ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस फोर ए बाई टू इनफिनिटी ये बात चमकती है यस सर थोड़ा और समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे क्या होगा बताओ क्या सेकंड केस क्या थर्ड केस बनाने की आवश्यकता है कि पहले में ही हो जाएगा सॉल्व सर थर्ड केस बनाना पड़ेगा ना बनाना पड़ेगा आओ बनाते हैं देखो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू फोर ए हो गया ना खत्म ही हो गया ना सीधा ए स्क्वायर इक्वल टू फोर ए हो गया ना तो अपना आंसर क्या आ जाएगा a equal to 4. a square minus 4 a equal to 0 ना बेटा तो 0 या 4 आए a equal to 0 और a is equal to 4 उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है बिकॉज जब आप रूट निकालोगे इस केस में आपका रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे एक माइनस ए बाई टू आ जाएगा बस बिकॉज ये और ये जीरो हो गए है ना तो यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस इन्फी से माइनस ए बाई टू यूनियन माइनस ए बाई टू से इन्फिनिटी जो कि आप देखो ये सेम आंसर आपका बड़े आराम से यहाँ भी आ सकता था या आपने ये कर दिया ओके तो आपका ये जो होगा ये ऐसा क्लोज हो जाएगा ओके अरे हाँ और जब ये चीज जीरो होगी तो जीरो हो जाएंगी चीजें आपका यही आंसर बचेगा ना फिर से ये बात चमकती है क्या ये दोनों केसेस जो है वो कंबाइन किया जा सकता था अलग केस बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्या ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है क्या अच्छे से हाँ सर सर एक डाउट यस सर हाँ बोलो सर केस टू में आपने ए का रेंज निकाला ना हाँ सर उसके बाद हमने मतलब वो नंबर लाइन कैसे प्लॉट किया नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए उसका रूट प्लॉट करते हैं ना ओके सर हाँ सर अरे यहाँ तक क्लियर है क्या यस सर कॉपी कर लिए यस सर यस सर कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ठीक है तो दो क्वाड्रेटिक में कॉमन दो क्वाड्रेटिक अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक क्वाड्रेटिक है ए वन एक्स स्क्वायर
प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें कॉमन रूट, इसमें रूट्स कॉमन कैसे हो सकते हैं बताओ, क्या क्या केस बन सकता है? दो केस बनेगा ना, क्या दो केस बनेगा? एक रूट कॉमन, वन रूट कॉमन या टू रूट कॉमन? बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है। तो पहले अपन बोथ रूट कॉमन देखेंगे फिलहाल, अभी बोथ रूट कॉमन, अगर बोथ रूट कॉमन है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बोथ रूट कॉमन है ना, तो एक रूट क्या है इसका रूट क्या होगा बोलो? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो दोनों का सम ऑफ रूट्स सेम रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेम रहेगा। ये चमकता है अपने पास, कंडीशन क्या आ गई, बी बाई बी वन इज इक्वल टू ए बाई ए वन, और यहां से क्या आ गया बताइए, सी बाई सी वन इज इक्वल टू ए बाई ए वन, चमका? Yes. तो क्या आ गया बोलिए, कंडीशन क्या आ गया, सबका रेशो इक्वल होगा, ए बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन इज इक्वल टू सी बाई सी वन इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है, ओके। इसका ग्राफिकल सिंग, हाँ एक मिनट रुक जाओ सर, इसके डिस्क्रिमिनेंट में कुछ आएगा क्या कॉमन? नहीं, वो लिख के देखो क्या आएगा कॉमन, डिस्क्रिमिनेंट तो मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सर दोनों इक्वेशंस का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम ही रहेगा ना, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। इसका ग्राफ, ये दोनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बोलो, yes, दोनों का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, इन्हीं दोनों का ग्राफ बनेगा ना बोलो? यस सर। तो तुम मुझे दोनों का ग्राफ बता सकते हो, दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा सर? एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे कट करके अलग अलग थोड़ा सा फैल जाएगा। हाँ मतलब आप देखो, अगर ध्यान दो, ये याद है कि भूल चुके हो? याद है सर, ये वाला याद है सर, याद है सर, याद है सर, ए वन इनटू एक्स माइनस अल्फा, चमका? यस सर। तो यहाँ पर दोनों जो होंगे वो सेम जगह कट करेंगे ना एक्स, yes, तो ये बात चमकती है, ये एक होगा और ये ये चमका क्या? यस यस यस, बोथ रूट्स कॉमन में ग्राफ ऐसी होगा। ग्राफ में क्या अंतर हुआ बस, मतलब ग्राफ में जो ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट सेम है, सेम कॉमन है, ये बात क्लियर है क्या? यस यस सर, यस सर, यस सर। कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करो सर, बोलिए सर। ग्राफ को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ऐसे इनफाइनाइटली मेनी एक्सप्रेशन होंगे? हाँ 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 हाँ, सर अगर ये ऊपर के साइड में हमारा ये बना पैराबोला, अगर नीचे के साइड में बना सेम रूट्स के साथ तभी सेम ही रहेगा ना? हाँ बनेगा ना, वो तो बस ए पे डिपेंड कर रहा है ना। ओके सर, डन सर,
Yes, sir. Very good. Oh, yes. Done, sir. ठीक है. Next बोलो क्या है? One common group. हाँ. अच्छा रुको, उससे पहले एक आपसे एक IQ question पूछते हैं. Quadratics with देखो हर बार real coefficient लिखते नहीं है but लिखा रहना चाहिए. If two quadratics with real coefficients are such that both have D less than zero. Also, they have one root common. Prove that they have prove that certain root is also common. चलो बताओ सोच के. सर d less than zero का तो फिर conjugate roots होते हैं. हाँ हाँ. तो फिर अगर एक रूट दोनों में कॉमन है तो सेकंड वाला उसका कंजुगेट होगा तो फिर दोनों इक्वल होगा. ऑब्वियसली सॉल्यूशन सिंस d इज लेस देन 0 दैट इंप्लाइज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स. नाउ लेट्स से कॉमन रूट is a plus iota b. So automatically क्या मालूम चला? a minus iota b is also a root, common root. Automatically a minus b will have to be common in both. Are you clear? Yes. Yes, sir. Yes. आवाज कौन कौन आया था? बिल्डिंग कौन कौन आया
स्टार्टिंग हुआ भाई नहीं क्यों सर ए माइनस आयोटा बी बीटा के आयोटा बी के बाद क्या लिखा है विल हैव टू बी कॉमन इन बोथ बैटिंग कैसा कॉपी कर लिया यस सर ठीक है अभी आते हैं वन रूट कॉमन पे वैसे वन रूट कॉमन तो आपको दिखाया था परसों वाले क्वेश्चन में है ना यस हाँ कैसे प्रतो क्या लगता है कैसे प्रोसीड करेंगे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और दूसरा क्वाड्रेटिक क्या है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो हाँ तो लेट कॉमन रूट बी अल्फा अल्फा तो क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू ए वन अल्फा प्लस बी वन अल्फा प्लस सी याद है ना उस दिन हम लोग कैसे किए थे एक में से अल्फा निकाल के दूसरे में पुट कर यही कर रहे थे ना एनीवे तो अभी कंडीशन निकालनी है देखो कंडीशन आप लोगों को याद है टेंथ में एक मेथड हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हां सर यस सर यस सर 2x + 3y + 5 = 0 3x + 2y + 6 = 0 हां सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x / 3 * 6 - 5 * 2 जाना रहा है हां अरे कोई बड़ी बात नहीं है साइमल्टेनियस इक्वेशन है और क्या है ना यस सर यस एनीवे ठीक है आई थिंक बहुत लोगों को नहीं आता है स्कूल में सिखाया गया नहीं सिखाया गया है अभी सर डिलीट कर दिया दिखा दिया था कि ऐसा कुछ होता है अजीब समस्या है कोई बात नहीं डिलीट कर दिया था तो अभी क्या कर सकते हैं ठीक कोई बात नहीं भाई सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है एक्स और वाई तो निकालना है ना हम निकाल लेंगे एक्स और वाई देखो कैसे निकालेंगे इनटू बी क्या करेंगे इनटू ए मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू ए वन इनटू ए और इनटू ए वन है ना और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बोलो बी ए वन माइनस बी वन ए इनटू अल्फा प्लस सी ए वन माइनस सी वन ए इक्वल टू समका क्या यस सर यस सर तो इससे अल्फा का वैल्यू कितना आया सी वन ए माइनस सी ए वन बाई B1A minus B1A ये अल्फा आ गया यस सर यस सर अभी ऐसी अल्फा स्क्वायर निकाल लो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैसे निकालोगे आपने से कुछ लोग ने काफी तेज हो पता है बट घर जाके आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसलिए फंस जाइएगा क्योंकि तेजी से आप एक टाइम तक ही पहुंच सकते हो आपका एक्सीलरेशन अच्छा है बट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपका फिर रिटार्डेशन भी हो रहा है बहुत फास्ट तो बी वन बी अभी यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ बी वन ए माइनस बी ए वन इंटू अल्फा स्क्वायर है ना यस सर प्लस सी बी वन माइनस सी वन बी इक्वल टू जीरो ये बात चमकती है यस हाँ सर यस सर अरे गर्वी आवाज आ रही है तुमको यस सर शांति कैसे घर पहुंच गया क्या नहीं ना नहीं कितना बता दो प्रताप को
रास्ता बता दो। क्या रे गर्वित घर पहुंच जाएगा तो? नहीं ना, नहीं सर इधर ही। कहाँ, ट्रेन में है ना तू तो? नहीं सर, घर पे हूँ। हाँ हाँ सर, सर पापा गए बस अकेले। अरे सर अकेले गए क्या सर? C1B-CB1 by B1A-BA1 चमक रहा है क्या सभी को यहाँ तक? Yes sir। याद है कल भी ऐसे sum of fruit product of fruit निकाल रहे थे, ठीक है? अभी दोनों से कंडीशन निकालनी है, तो कैसे कंडीशन निकालेंगे बताओ? ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करने से कितना आएगा बताओ? तो C1A क्या हुआ? A1 the whole बता दिए उसको। B1A-BA1 होल स्क्वायर। तो उधर हमने गलत लिखा है, थिंक सो B1A था। चुप रहो ना यार, क्या बोल रहे हो? अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? C1A-CA1 का whole square by BA1-BA1 whole square। अभी दोनों को equate कर दें? Yes sir। तो इन दोनों को equate करेंगे तो क्या आएगा? CA1 by BA1- बोलो B1A whole square। यहाँ पर B1 B1A-BA1 ये और ये कट जाएगा है ना? Yes sir। क्या आएगा फाइनली कंडीशन क्या आ गई? C1A-CA1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BA1-BA1 हाँ इनटू C1B-CB1 हाँ। ये आपकी कंडीशन आ गई फॉर कॉमन वन कॉमन रूट, ठीक है? अब ऑब्वियस ही बात है, ये क्वेश्चन देख के तुमको फील तो आ ही गई, वो याद नहीं कर सकते हैं। हां सर। यस सर। हां सर। याद थोड़ी याद कर सकते हैं क्या? नहीं ना। नो सर। नो सर। ये जो चीज है ये थ्योरी है। ये क्या है? थ्योरी है। हम लोग याद तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, वर्किंग रूल क्या रहता है? वर्किंग रूल ये अल्फा निकाल लिया जाता है यहाँ से, इस वाले प्रोसेस से माइनस करके, ठीक है? गेट अल्फा, जैसे परसों किए थे ना वैसे ही गेट अल्फा है ना। अब ये अल्फा रूट है ना इक्वेशन का। यस सर। तो नाउ सेटिस्फाई एनी इक्वेशन अल्फा इन एनी इक्वेशन, ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये आपका वर्किंग रूल रहेगा, ठीक है? और ये आपका थ्योरी है कि भाई ये कंडीशन होती है, बट ये दुनिया में याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप कैसे कैसे आपने सुन किया था ना क्वेश्चन, याद है? वैसे ही करोगे कि आप माइनस करके एक्स स्क्वायर हटा के अल्फा स्क्वायर माइनस करके क्या निकाल लोगे? अल्फा निकाल लोगे और फिर अल्फा को इक्वेशन में पुट करके सैटिस्फाई करा लेंगे, कुछ आ जाएगा उससे। ये बात चमकती है क्या? जब पर नीचे वाला कंडीशन याद नहीं करेंगे कभी भी, जब भी वन कॉमन रूट आएगा हमें हर चीज यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और फिर वहां के बाद यहाँ चले जाएंगे। ये बात चमकती है? Yes sir। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो लेट कॉमन रूट भी अल्फा के बाद। अब पूरा एक्सप्लेन करूं मतलब बस शॉर्ट में। तुम नॉर्मली हर चीज दो बार सुनवाते हो यार। देखो क्या किया मैंने, कॉमन रूट को अल्फा ले लिया, ठीक है? तो अभी दोनों इक्वेशन में मैंने क्या किया, अल्फा को सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या बन गया इक्वेशन? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही
a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अभी इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह मैंने सॉल्व कर दिया, a1 से मल्टीप्लाई कर दिया और a से मल्टीप्लाई करके क्या किया मैंने, अल्फा स्क्वायर हटा दिया, मेरे पास क्या आ गया बी ए वन माइनस बी वन ए अल्फा वगैरह वगैरह करके मेरे पास सॉल्व होके क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, चमक गया। हाँ सर, ऐसे ही फिर मैंने ग्रीन से जो लिखा है बी वन से और बी से मल्टीप्लाई करके अल्फा को उड़ा दिया, क्या ले आया मैं, अल्फा स्क्वायर ले आया, ठीक है। हाँ। ओके, तो अभी नीचे वाले से अल्फा स्क्वायर आ गया, ऊपर से क्या आया है, अल्फा आया है ना, ऊपर वाले अल्फा को स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले अल्फा को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां से भी अल्फा स्क्वायर आ गया और यहां से भी अल्फा स्क्वायर आ गया, चमका। यस, तो अभी दोनों को इक्वेट करके ये कंडीशन निकालना है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि कंडीशन है ओके, बट ये एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे आप, हमेशा आप दोनों में सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, ब्लू वाला सॉल्व करके क्या निकाल लोगे आप, अल्फा निकाल लोगे और इस अल्फा को किसी भी इसमें या इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो आपको क्या आ जाएगा, कंडीशन हाँ, सेटिस्फाई हो जाएगी सर। समझा सर, थैंक यू सर। इसमें सर डिटरमिनेंट वाले तरीके से कर सकते हैं, डिटरमिनेंट कहाँ से आ गई, किसको डिटरमिनेंट आता है, नहीं सर हम लोग को मतलब पहले बताया था इसमें, क्योंकि टेंथ में एक बार बताया था, किसने बताया था सर, के के सर ने, बकवास टाइम पास नहीं करना चाहिए, द थिंग्स व्हिच कैन बी सॉल्वड बाय अ सिंगल थिंग, सिंपल थिंग कैन शुड बी सॉल्वड बाय सिंपल थिंग, ठीक है। डिटरमिनेंट बड़ा चैप्टर है, करेंगे, दो क्रॉस दो के थ्रू डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं। Yes. कॉपी कर लिए बेटा? Yes sir. Done sir. यहाँ तक कॉपी कर लिया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. आगे बढ़े? हाँ सर. Yes sir. ठीक है. कोई समस्या है क्या यहाँ तक, आपको बताइए. No sir. No sir. No sir. No sir. हाँ ठीक है, तो कॉमन रूट के बारे में बता दिया मैंने आपको, तो ग्राफ्स में एज भी आएगा ना, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सर ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स पे थोड़ा सा और टाइम देते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ध्यान देना। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स, माने नो रियल रूट्स, ठीक है। ऑल्सो 4a plus 2b plus c is greater than 0, then show that a
सर ये जो कल किया था वो क्वेश्चन से है ना, वो 61 वाला। हाँ एक बार सॉल्व करें सब लोग। सर आपने जो गिवन दिया है वही प्रूव करने को दिया है सीन। अरे, आपने जो अरे अरे मारो यार मुझे, मारो यार दिमाग खराब है। ठीक है रुको चलो सॉल्व करो। पहले बैटिंग आ गई 35 ओवर का है ना सर्विस शर्मा पर कल ट्यूजडे पर टेनिस वाले नहीं आते 10 के पहले मैच नहीं होता है 9:30 बजे निकलूंगा 9 बजे जाएंगे ना 9 बजे का ट्रेन नहीं है मैं तो चलूंगा अभी कटेटी छोड़ दूंगा मैच 8:30 बजे नहीं नहीं हां भाई हुआ क्या पहला वाला यस सर क्या हो रहा है बताओ लेट्स एक्सप्लेन everybody sir jo equation diya x square plus bx plus c uske no real roots hai matlab d is less than 0 aur agar hum log f of 2 dalenge to 4a plus 2b ruko d less than 0 matlab quadratic in x jo hoga is always positive or negative quadratic in x is always नेगेटिव है ना इसका मतलब दो ग्राफ हो सकता है कौन सा या तो ये वाला ग्राफ हो सकता है या तो टच कहाँ कर रहा है रे बेटा या तो ये वाला ग्राफ हो सकता है टच नहीं करेगा ये दो ग्राफ हो सकता है ठीक है अभी क्या दिया है क्वेश्चन में अपन को 4a बोल बेटा जो बोल रहा था 2b + c ग्रेटर देन हां तो ये क्या दिया हुआ है f of 2 दिया हुआ है ना यस यस सर f of 2 ग्रेटर देन 0 जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो जो आउटपुट का साइन एक इनपुट पे आएगा वही साइन हमेशा सब इनपुट पे आएगा दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स है ना दैट मींस अपने पास फाइनली कौन सा ग्राफ आ गया सर जो ऊपर की तरह जा रहा ये वाला ग्राफ आ गया ओके चलो अब मुझे बताओ ए ऑप्शन क्या है f of -1/3 ए ऑप्शन इज f of -1/3 -1/3 तो ऑब्वियस ग्रेटर देन 0 रहेगा ही है ना ये ऑप्शन क्या है बताओ f of 1 बहुत अच्छा सी ऑप्शन ड्रीम मिल क्वेश्चन बताओ सर हम लोग पहले क्या करेंगे सब अभी हमें ये पता चल गया कि a पॉजिटिव है वो ब्लू में आपने जो लिखा उससे ये पता चल गया कि a पॉजिटिव है अब हम लोग f ऑफ 0 डालेंगे तो c आएगा और हमें ये पता है कि रियल वैल्यूज पे पॉजिटिव ही आउटपुट होगा तो इसका मतलब c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव मेथड 1 जो इसने बोला ये बोला इसने कि अभी अपने को मालूम है कि सिंस a इज पॉजिटिव आल्सो c इज f of 0 which is positive right hai na that implies yes sir a plus c is positive ye ek tarike se ho gaya aur koi method anybody else kuch soch paya kya a plus c kaise bana sakte hain given quadratic se ax square plus bx plus c se a plus c kaise bana sakte ho batao at least ek tarika do mujhe at least ek tarika बी वाले को यूज बी वाले से हिंट लो
a प्लस सी कैसे बन सकता है बी वाले ऑप्शन f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1 f ऑफ 1 क्या है a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0 f ऑफ माइनस 1 क्या है बालक यहाँ तक पक्का क्लियर है सर फिर इनमें से किसी दो इक्वेशंस को लेकर साइमल्टेनियसली कर सकते थे इसमें से इन्हों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था ना ओके जाएगा कैसे बिल बड़ा अगर मैं यहाँ पे रहता तो मेरे साथ चलता कार का स्टेशन जाएगा अगर उसको पढ़ा बोले हर दिन आएगा एक दिन सुबह कॉपी कर लिए यस सर नो सर यस सर यस सर एक मिनट सर डन सर हो गया सर ठीक है आगे बढ़े यस सर एक थोड़ा टफ क्वेश्चन दें अच्छा सा थोड़ा और अच्छा दें क्वेश्चन चलेगा सर जूम हो जाता है ना अपने आप को समस्या चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो हैज नॉन रियल रूट्स ठीक है और a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है ठीक है अच्छा कैसे होगा उसके कमेंट तो मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन दूसरा चाहिए ना क्वेश्चन मेरा ये रहेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू जीरो एज नॉन रियल रूट्स कमेंट ऑन साइन ऑफ
क्या क्यों बैटिंग हाँ बताओ भाई, देखिए आपको कितना FOM, FOM, FO याद है बेसिक्स? सर वो तो फॉर्मूला है ना पहले वाला जो हाँ, बढ़िया बोल सही बोल रहा थोड़ा सा और मूवमेंट करो बॉडी का, दिमाग का सोचे तो सर थोड़ा सा और। सर पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि वो उसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे ना वो एक्सप्रेशन को तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, पर इसमें नॉन रियल रूट है तो सी ग्रेटर देन जीरो होगा और ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये हाफ इनटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर होता है राइट? यस सर यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक में एफ ऑफ जीरो की क्या है? एफ ऑफ जीरो है हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बोलो सी माइनस ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है ना। यस एफ ऑफ जी, और यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है? तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो आ गया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी ना। एफ ऑफ जीरो देन जीरो आ गया, ऑल्सो नॉन रियल रूट है ना। हाँ सर। दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो सर? डाउट है सर, ऊपर वाला ग्राफ बने। दैट इंप्लाइज ग्राफ जो रहेगा ये वाला बनेगा है ना। यस सर, हेंस पॉजिटिव। दैट इंप्लाइज ए इज पॉजिटिव। ये चमकता है सर, हमने एफ ऑफ जीरो जो डाला ना उस पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, अगर रियल नंबर्स का स्क्वायर का ऐड करोगे वो तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा। हाँ सर, हाँ सर। नीचे सर इक्वल टू जीरो कैसे होगा? अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता तो इक्वल टू जीरो हो जाता ना एफ ऑफ जीरो, तो उस केस में तो ये भी ग्राफ बन सकता था ना। कौन सा ग्राफ? टेंजेंशियल। एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया राइट, तो ये भी तो ग्राफ बन सकता था ना जीरो पे टेंजेंट वाला, लेकिन वो तो बराबर नहीं है ना एक दूसरे के। ए ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दिया है ना। हां वही तो कह रहा हूं मतलब एक्चुअली इस केस में जो ये लिखा था हटा दो ना आप सीधा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो सीधा हम बोल सकते हैं ना कि ग्रेटर देन जीरो ही होगा हमेशा। ये बात चमकती है सर? आपने नॉन रियल रूट के पहले क्या लिखा है नीचे? हैज नीचे कमेंट सर, आपने लास्ट लाइन में जो नॉन रियल लिखा है ना रेड कलर में उसके बाजू में। अच्छा उसके बाजू में ऑल्सो कॉपी कर दिया? डन सर। ठीक है? यस सर।
पहली बात नोट करना, इफ यू डिवाइड क्वाड्रेटिक बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट्स डोंट चेंज, ये मानते हो ना? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो रूट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। तो अपने देख लिया ना यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आप कैसे लिख सकते हो? a into x minus alpha into x minus beta, है ना? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वल टू जीरो करे बनेगा? तो अगर हम a से डिवाइड कर दे तो क्या इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं ना। नहीं ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes. अपन काम चीज करते हैं। रेहान इसका फोन आ रहा, देखो तू एक नंबर के रिस्पेक्ट में, मान लो एक्स एक्सिस पे एक नंबर है तो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा हो सकता है बताओ? बोथ रूट्स कैन बी smaller than this, अरे हाँ या ना? Yes. दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ? One root smaller, one root greater. हाँ यार पता नहीं सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं। तीसरा क्या हो सकता है बताओ? दोनों roots greater than the number. इसमें कुछ दोनों roots greater, दोनों roots less और उसके बराबर। इसमें बहुत समस्या आ रही है क्या? फिर एकदम शांति छाई हुई है क्लास में। हाँ बोलो सर, इसमें से कोई एक रूट m के इक्वल नहीं होगा क्या? हाँ हो सकता है ना, बट वो बहुत ही ट्रिवियल केस हो गया ना। ऑब्वियसली जो तुम कह रहे हो कि सर एक रूट m हो जाए, अगर m हो ही गया तो m को डाल देंगे क्वाड्रेटिक में, है ना? मेनली क्या जानना है कि m के रिस्पेक्ट में चीजें कैसे हो रही है, ठीक है? सब वो m क्या? m एक नंबर है। सर ये केसेस फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। अच्छा शिट यार इसमें क्या समस्या है यार? एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, वो गिवन नंबर के रिस्पेक्ट में वो कैसे पोजीशन हो सकते हैं? मतलब सर m कोई भी रैंडम नंबर है। M कोई भी रैंडम नंबर है। Okay, M sir. कोई भी रैंडम नंबर है तो क्या हो सकता है? अल्फा बीटा दोनों उससे बड़े। क्या समस्या आ गई आप लोगों को यार? हाँ सर समझा सर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, M एक नंबर है, मतलब अरे जैसे आप अभी क्वेश्चन नहीं बनाए थे दोनों रूट जीरो से बड़ा। यस सर। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लोकेशन करना है, लोकेशन मतलब दोनों रूट मान लीजिए 10 से छोटे हैं, दो रूट मान लीजिए 5 से बड़े हैं, मान लीजिए 5 जो है दोनों रूट के बीच में है, नहीं समझा? समझा सर, समझा समझा सर। डन सर, लिख लिया।
आप लोग को फील ही नहीं आ रही है। अच्छा दो नंबर के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ, दोनों के बीच में दोनों रूट, दोनों के बीच में या फिर दोनों रूट ही नंबर ही है। रुको 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 रुको, हाँ बोलो। ये मैंने बनाया m, m और n, मतलब m और n जो है ना दोनों रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। बोलो क्या होगा पहला केस। तो एक तो दोनों से छोटे, दोनों से छोटा, दोनों से बड़े। आराम से करते हैं। एक रूट दोनों से छोटा होगा और एक रूट दोनों के बीच में बड़ा होगा। मतलब कैसा ग्राफ? एक नंबर दोनों के, एक नंबर m के पीछे और एक m और n के बीच में, है ना। इसका इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? बिटवीन वन रूट। क्या? बिटवीन वन नंबर। वन रूट इज बिटवीन एम एंड एन एंड वन रूट इज स्मॉलर देन एन। ये ना? यस सर। और क्या होगा बताओ? सर दोनों रूट से एम एन एम एन और एन हो। एम और एन ही हो। वो मत करो ना, वो ट्रिवियल केस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक रूट एम एन के बीच में और एक एन के साथ आगे। गाइस बिटवीन बोथ द रूट्स, है ना? यस। और बता सर, एम और एन दोनों रूट्स के बीच में आ रहे हैं, एक रूट एम से छोटा और दूसरा रूट एन से बड़ा। यस सर। ये वाला? यस सर। और बता, और एक एम एन के बीच में और एक एन से बड़ा। हाँ सर। दोनों एन से बड़े। और कोई केस हो सकता है क्या? हाँ सर। क्या सर, वो दोनों रूट्स एम से बड़े और एन उन दोनों रूट्स के बीच में। सर, वो तो कर लिया ना यहाँ पे, वो तो हाँ सर। यस सर, एक और हो सकता है पर वो आपने बोला नहीं लेने का है, तो एम एम की इक्वल। हाँ, वो तो ट्रिवियल केस हो गया ना, मतलब वो मतलब नहीं बनता ना, ठीक है, वो सिंपल सा केस है। एनीवे इसमें एक बात करनी थी, बात ये करनी थी मेनली कि पहले इंग्लिश में लिखते हैं इसको, क्या मतलब है इसका? बोथ रूट less than m, अरे और obvious ही बात है ना, m is less than m is less than n। हाँ, यहाँ पे क्या है? One root less than n greater than। एक को alpha ले लो ना, एक को alpha ले लो root और दूसरे को beta दे दो। वैसे कर दे? Yes sir। Less than m beta is less than n, है ना? Yes, sir। यहाँ पे both roots between m and n। हाँ, English रहने दो, English काम आएगी, ठीक है। यहाँ पर alpha smaller than m, beta greater than n। हाँ, मतलब one root रहने दो, इंग्लिश में लिखने दो, सही रहता है, डिफिकल्ट लंबा रहता है, दिमाग में बैठता है। वन रूट लेस देन एम और अदर रूट ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन एम, राइट। ई वाला बताओ? ग्रेटर देन एन ना। हाँ, ग्रेटर देन एन। ई वाला बताओ? ई वाला अल्फा को फंसा लेते हैं एम से, यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। ये बात चमक रही है? यस सर। अच्छा, इस वाले बताओ, एफ वाले में बोथ रूट्स ग्रेटर देन एन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन एन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन एन, है ना? यस सर। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। आप कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? यस सर, यस सर, यस सर, डन सर। एक मिनट, एक मिनट। पैर ऐसे ऐसे बांधता है। जरूर बोलता हूँ, वैसे नहीं आता टोपे आता नहीं, नहीं टोपे बोलता तो फिर पार्वती नहीं हुआ ना। अभी तो पार्वती होता है, देख लो सेम ऑन का एक्शन नहीं। ओके सर, कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, तो मतलब पढ़ा तो नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें ओरली, आप सोच के बताना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एफ ऑफ, अब मैं यहाँ पहले लिख दें एफ क्या है। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक, सोच के बताना अच्छे से। ठीक है, बताओ एफ ऑफ एम क्या रहेगा ए वाले ग्राफ में, पॉजिटिव की नेगेटिव? एफ ऑफ एम क्या रहेगा ए वाले ग्राफ में, पॉजिटिव की नेगेटिव? इतना टाइम लग रहा है इसका तो समझ ही नहीं हो कुछ भी तुम। एफ ऑफ एम क्या रहेगा ए वाले ग्राफ में, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि एम पे आउटपुट पूछ रहे हैं सर, तो एम पे आउटपुट यहीं पे है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। यस सर। एफ ऑफ एन क्या रहेगा? पॉजिटिव। आता है बी वाले ग्राफ में, बताओ बी वाले ग्राफ में एफ ऑफ एम क्या रहेगा? नेगेटिव। 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 हाँ सर। पता नहीं क्या चमकता है, चमकता अच्छे से। यस सर। एफ ऑफ एन क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी वाले में, सी वाले में एफ ऑफ एम और एफ ऑफ एन क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, डी वाले में एफ ऑफ एन क्या रहेगा? इसकी फील आती है? यस सर। अच्छा, तो ई वाले में एफ ऑफ एम पॉजिटिव, एन नेगेटिव है, एन नेगेटिव है। तुम वो छोड़ो, तुम्हें समझ रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है डिसाइड? हाँ सर। एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे, नीचे नीचे वाले से हो रहा है। इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। कर लिए? अगर दोनों रूट के बीच में तो नेगेटिव होगा मतलब। हाँ, वो तो देखिए। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय सर। थैंक यू सर।